कारोबार की हत्या की सुपारी लेने वाला दो गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल बरामद। पंजाब पुलिस ने बताया कि दोनों गैंगस्टर कथित आतंकवादी अरसदल्ला और सुकत दुनेगे के संबंध में पाए गए हैं। अरसदल्ला से दिल्ली के नीरज बवाना गैंग के भी लिंक बताए जाते हैं। पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा है कि उसने उत्तराखंड के एक कारोबारी की हत्या की सुपारी लेने वाले दो गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 पिस्तौल भी बरामद की है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों के पास से 1,90,000 रुपए नकद बरामद किए हैं, जो सुपारी के रूप में मिली रकम का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि दोनों गैंगस्टर कथित आतंकवादी अरसदल्ला और सुक्का दुनेके के संबंध में पाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से दल्ला को इस साल जनवरी में एक आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि दोनों गैंगस्टर की पहचान पंजाब में मानसा स्थित गरगना गांव निवासी शिमला सिंह और हरियाणा के फतेहाबाद स्थित बदौलियावान वाली गांव हरजीत सिंह उर्फ गोरा के रूप में हुई है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 3 पिस्तौल और 5 कारतूस तथा मैगजीन बरामद की है। पुलिस ने बताया कि शिमला सिंह को अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिरीक्षक सिमरनपाल सिंह के अनुसार शिमला सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि अरसदल्ला ने उसे एक काशीपुर के एक कारोबारी की हत्या की सुपारी दी थी। उन्होंने बताया कि उसे इस वारदात को अंजाम देने की मदद के लिए उसके एक दल्ला के सहयोगी साधु सिंह से मिलने को कहा था, जो अभी हल्द्वानी जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि दल्ला ने 2 किस्तों में शिमला सिंह को 7,00,000 रुपए भेजे थे। उन्होंने बताया कि शिमला सिंह द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर पंजाब पुलिस ने हरियाणा की पुलिस की मदद से हरजीत को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।